नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। रुपए की गिरावट पर सरकार चिंतित, लेगी एनआरआई की मदद। डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहे रुपए पर केंद्र सरकार ने पहली बार चिंता जाहिर की है। इस संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार नॉन रेजिडेंट इंडियंस की मदद ले सकती है। बता दें कि भारतीय करेंसी इस वक्त एशिया में सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है। सोमवार को भी भारतीय रुपए में गिरावट जारी रही। लड़ाकू विमान तेजस का कारनामा, 20,000 की ऊंचाई पर भरा ईंधन। भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने में ईंधन भरने की बाधा पूरी कर ली। 20,000 की ऊंचाई पर इस लड़ाकू विमान में पहली बार ईंधन भरने का परीक्षण सफल रहा। इसके साथ ही भारत उन देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जिसके पास सैन्य विमानों के लिए हवा में उड़ान के दौरान ईंधन भरने की प्रणाली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा, अभी और बढ़ने की आशंका। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में आज भी इजाफा जारी रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में भारतीय बाजारों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी और आसमान छूने वाली हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के पीछे रुपए एक बड़ा कारण है। रुपए में गिरावट के चलते ही तेल कंपनियां लगातार कीमतों में बदलाव कर रही हैं। दरअसल कंपनियां डॉलर में तेल का भुगतान करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना मार्जिन पूरा करने के लिए तेल की कीमतों को बढ़ाना पड़ रहा है। एनपीए पर रघुराम राजन का संसदीय समिति को जवाब, यूपीए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बढ़ते गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को लेकर संसद की एक समिति को भेजे अपने जवाब में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजन ने कहा है कि घोटालों और जांच की वजह से सरकार के निर्णय लेने की गति धीमी होने की वजह से एनपीए बढ़ते गए। बता दें कि सितंबर 2016 तक 3 साल आरबीआई के गवर्नर रहे राजन फिलहाल शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में वित्त मामलों के प्रोफेसर हैं। दूरदर्शन पर लाइव शो के दौरान मशहूर लेखिका का निधन, टीवी में लाइव शो के दौरान जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका रीता जितेंद्र का निधन हो गया। शो के दौरान शिक्षाविद और लेखिका रीता जितेंद्र अपने जीवन और उपलब्धियों पर सवालों का जवाब दे रही थी। रीता के अचानक निधन से उनके घर वाले, दोस्त और प्रशंसक हैरान रह गए। रीता जम्मू कश्मीर में दूरदर्शन के शो के लाइव टेलीकास्ट के दौरान मेहमान के रूप में शामिल हुई थी। उस वक्त चैनल में गुड मॉर्निंग जम्मू एंड कश्मीर का प्रसारण हो रहा था। पुलिस वालों को ठुल्ला कहने के केस में मानहानि के आरोप से बरी हुए केजरीवाल। अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पुलिस कांस्टेबल की ओर से दायर मानहानि के मामले में बरी कर दिया है। पुलिस कर्मी का कहना था कि साल 2015 में एक प्राइवेट न्यूज चैनल पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान सीएम के पुलिस वालों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल करने से वह व्यक्तिगत रूप से आहत और अपमानित महसूस कर रहा है। इमरान सरकार ने कहा, चीन के साथ सीपैक डील्स पाकिस्तान के लिए अनुचित। पीओके से गुजर रहे चीन पाक आर्थिक गलियारे को लेकर चीन की चालाकी पाकिस्तान को शायद समझ में आने लगी है। पाकिस्तान की नई इमरान खान सरकार ने चीन के साथ सीपैक डील्स को अनुचित करार दिया है। पाकिस्तान ने इस डील्स को अनफेयर कहा है क्योंकि चीन पाक आर्थिक गलियारे को लेकर किए गए समझौते से चीनी कंपनियों को जबरदस्त फायदा हो रहा है। प्रतिबंधों के बीच ट्रंप का दावा, अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहता है भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिकी प्रशासन के कड़े रुख के बावजूद उसके साथ व्यापार समझौता करना चाहता है। ट्रंप सरकार उस सब्सिडी को समाप्त करना चाहती है जो भारत और चीन जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका से प्राप्त करती रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नजर में अमेरिका विकासशील देश है और वे चाहते हैं कि किसी भी अन्य देश की तुलना में वह भी तीव्र गति से आगे बढ़े। एलिस्टर कुक के सजदे में झुका सोशल मीडिया, दिग्गज क्रिकेटरों ने दी बधाई। इंग्लैंड के महान बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने टीम इंडिया के खिलाफ अपने करियर का आखिरी व अंतिम टेस्ट खेलते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ ओवल में खेले गए 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 5वें व अंतिम मैच की दूसरी पारी में 147 रन की यादगार पारी खेली। कुक को सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी ब्रेटली समेत विश्व के दिग्गज क्रिकेटरों ने बधाई दी है। बिग बॉस 12 के लिए हर हफ्ते सलमान को मिलेगी 300 करोड़ फीस। छोटे पर्दे के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 12 जल्द ही टेलीकास्ट होने वाला है। यह शो अगले हफ्ते 16 सितंबर आपको एंटरटेन करेगा। यह शो 13 हफ्तों तक चलेगा। हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इस शो को होस्ट करेंगे। इस शो में सलमान केवल 2 ही दिन होस्ट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस 2 एपिसोड के लिए सलमान खान ने टीम से 300 करोड़ फीस मांगी है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।